इसके तीन टुकड़े हो चुके थे, एक यहाँ से टूट गया। पेंगोंग के लिए जो है रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है। भाई साहब यहाँ पे बारिश शुरू। मॉर्निंग दोस्तों, तो आज लेह में हमारा तीसरा दिन है। तो कल हम सुबह गए थे खरदुंगला पास, लेकिन वहाँ हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, हमें वहाँ से वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे बाइक गिर गई थी, तो थोड़ा नुकसान हो गया था क्योंकि उसके आगे इसका कोई भी हल नहीं था। यहाँ पे हम ले वापस आना पड़ा, उसको थोड़ा वेल्डिंग करा के अभी मैंने जुगाड़ किया है। तो हमारे में से एक राइडर करेगा सोलो राइड, पूरा रूट करके आएगा। तो लेकिन हम, मैं और सुखनीत जा रहे हैं वापस घर, बस अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको बाइक का दिखाता हूँ, बाइक का क्या हाल हुआ है, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई बिल्कुल ही क्योंकि मूड ऑफ हो चुका था। तो हमारी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, तो गुरपाल भाई तैयार हो रहे हैं सोलो राइड के लिए। तो गुरपाल भाई का 2017 से प्रिपरेशन चल रही थी भाई, इतना लंबा प्लानिंग चल रही थी, तो उनका बनता है अभी। अभी मैं दिखाता हूँ यार मेरी बाइक के साथ होगा क्या कल। ये देखो भाई, ये फेयरिंग सारी टूट गई है और ये वाला इंडिकेटर मिरर टूट गया था, तो मैंने ये सेलो टेप से लगा दिया। ये देखो चलने लायक हो चुका अभी। और सबसे बड़ा नुकसान भाई मेरा ये हुआ, वेल्डिंग करके ले से करवाया इसका काम, तो इसके तीन टुकड़े हो चुके थे, एक यहाँ से टूट गया और एक यहाँ से ऐसे। ले में हमने 3-4 घंटे लगाए भी इसका काम कराने के लिए, मिला ही नहीं हमें कहीं वेल्डर। इस पर गैस वेल्डिंग हुआ है, तो वैसे बोल तो रहा है चल जाएगा, घर जाने तक तो हो गया हमारा काम। और एक ये देखो यहाँ से ये लगा पत्थर, इस पर ये बैंड हो गया और छोटे मोटे स्क्रैचेस आए हैं। ये देखो ये सारे स्क्रैचेस, और एक ये देखो ये टूट गया, ये स्क्रैच आया भाई। ये देखो ये भी टूटने वाला है। तो दोनों साइड मतलब गिरी बाइक, पहले इस साइड फिर उस साइड। तो बाकी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस ये थोड़ा बहुत था जो काम चलाऊ हो गया है। और मेरे शूज़ टूट गए थे भाई, मैंने यहीं ले से न्यू शूज़ लिए हैं। मतलब कि आपको कुछ भी लेना है कोई सामान, तो ले से लेकर ही आगे जाना, क्योंकि उसके आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने अपने रूट पे। तो गुरपाल भाई को इतना क्रेज़ है ना लद्दाख राइड का, ये देखो ये स्टिकर लगाया है, ये की चैन लंबा वाला, छोटे वाले भी दो हैं इनके पास, तीन चार की चैन और बड़ा एक, और ये वाला फ्लैग ये देखो फ्रंट से। सेफ राइड ब्रो, बाय बाय। चलो अभी गुरपाल भाई तो निकल गए सोलो राइड पे, अब हमारी बारी वापस जाने की। ऑल डन, हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, तो बाइक सारी हमारी रेडी, बस निकलने की तैयारी है अब। ये देखो यहाँ पे ना यार ले में सांस बहुत चढ़ता है, थोड़ा सा आप काम कर लो ना, मुंह सूख जाता और प्यास इतनी लगती है ना, थोड़ा सा काम कर लो कुछ भी। तो ये भी होटल का कुक है, बहुत बढ़िया बंदा है। बस भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये होटल के मालिक आ गए हैं, इनसे आपको मिला देते हैं। हाँ ये भाई इनका नंबर अजंता गेस्ट हाउस, तो इस नंबर पे आप कॉल करके इनसे पहले ही बुकिंग करवा सकते हो। बहुत ही अच्छे बंदे हैं ये, नाइस पर्सन, तो हमारी बहुत हेल्प की इन्होंने, बहुत बढ़िया बंदे भाई। चलो ये इनके कुक साहब कुक साहब बोला मैं, बस बस भाई ओके जी बाय। तो भाई हम होटल से बस निकल रहे हैं, तो सीधा मनाली वाला रोड पकड़ेंगे अभी। तो ये ले सिटी की गलियां है भाई, देख लो आज इसको। तो वैसे यहाँ से जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। हम अपना ट्रिप अधूरा छोड़ के जा रहे हैं यार, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जो हो गई थी कल खरदुंगला पे। तो जिस रोड से गुरपाल भाई जा रहे हैं हम उसी रोड से जा रहे हैं, तो वैसे मैं सुखनीत को मनाने की कोशिश करूँगा,
कि पैंगोंग लेक तो हम देख कर जाएँ यार, तो बाकी देखते हैं अभी क्या होगा आगे। तो हम लेह सिटी से बाहर निकल चुके हैं और जस्ट अभी क्रॉस किया हमने लेह सिटी। तो भी सामने देखो व्यू कितना प्यारा है यार, वाह ये पहाड़ देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है यार यहाँ पे, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। तो ये वाला व्यू जो सामने है ना, शांति स्तूपा से बहुत ही ज़्यादा बहुत एक नंबर व्यू लग रहा था यहाँ पे, मतलब कि पूरा लेह सिटी दिख रहा था। और ये सामने वाले जो पहाड़ है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, क्योंकि बिल्कुल हाइट से देख रहे थे ना इनको हम। तो अभी लेह से हम जस्ट 10 किलोमीटर आगे आए हैं, तो एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ जो बहुत कम लोगों को दिखती है। तो ये देखो भी सामने बुद्ध जी की मूर्ति बनी हुई है पहाड़ के पत्थर पे, ये देखो किसी ने बनाई है, पूरी क्रिएटिविटी कर रखी है। तो ये 10 किलोमीटर आगे जाके बस लेह से, तो ये देखो जैसे ही ये टर्न होता है, बिल्कुल टर्न होते ही ये सामने पत्थर पे बनाई हुई है मूर्ति। और सामने देखो बिल्कुल मैदान और दूर दूर तक पहाड़ ही नहीं है, बहुत दूर जाके है ये, मतलब किसी को कम ही दिखती है क्योंकि ये पत्थर पे बस ना रखी है ऐसे ही। तो भाई हमने यहाँ से पेट्रोल फिल करवा दिया पूरा दोनों बाइक्स में, और बस चलते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन। तो अभी हो गए अभी एक बजने वाला दोपहर का, अभी हमने कहीं कोशिश करना कहीं नहीं रुकना, सिर्फ लंच करने रुकेंगे। ये 6 विलेज है, तो यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है बहुत ही पॉपुलर, खारू यहाँ से आ गया 15 किलोमीटर, पैंगोंग पता नहीं कितना था, अभी खारू आएगा 15 किलोमीटर रह गया। तो भाई साहब ये है मोनेस्ट्री, 6 विलेज, ये देखो ये भी बहुत पॉपुलर है, आप यहाँ पे रुक के देख सकते हो, लेकिन हम रुक नहीं रहे, हम सीधा जा रहे हैं। तो भाई साहब ये है 6 मोनेस्ट्री का गेट, तो मैं इसलिए वापस आ गया, सुप्रीत वहाँ से कैश निकलवा रहा है, क्योंकि यहाँ से कैश बहुत ही इम्पोर्टेंट निकलवाना, क्योंकि उसके आगे आपको पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो ये है अभी 6 मोनेस्ट्री, आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिखा देता हूँ। ओह भाई यहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत आ रखे हैं, वाह वेरी ब्यूटीफुल यार, वैसे जाना तो चाहिए इसमें यार, कितना ऊंचाई तक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे किसी दिन और देखेंगे। आ गया बस आ गया। तो ये है भाई 6 मोनेस्ट्री का गेट, पहले मैंने आपको पीछे से दिखाया था, अब ये फ्रंट गेट है इसका। तो मोनेस्ट्री थोड़ा क्रॉस करके ना एक एटीएम है, अगर आपको एटीएम में से पैसे निकलवाने हो तो यहाँ से निकलवा के ही आगे जाना, मतलब आपकी जेब में कैश होना चाहिए कम से कम 10,000 पर पर्सन। तो ये है अभी J&K बैंक, अब एटीएम भी है इसके अंदर। तो भाई हमारी अब सारी तैयारी हो गई है, कैश निकलवा लिया, पेट्रोल फिल करवा लिया, तो बस अब आप निकालने किलोमीटर, लेकिन बस एक लंच करना बाकी है। तो लंच तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूखे पेट मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता, राइडिंग तो बहुत दूर है। ये देखो ये जो हम देखते हैं ना सीनरी में पेंटिंग में, वो सब है देखो, वाओ ओ भाई साहब क्या कहूँ यार इस व्यू के बारे में, आप बस एंजॉय करो, देखते रहो और एंजॉय करो बस। अब एक ही चीज़ में बार बार क्या बोलूँ, बहुत ही मतलब अलग अलग व्यू आ रहे हैं ना, जो दिल खुश हो जाता है। ये देखो इधर बर्फ वाले पहाड़, और जैसे ऐसे पेट मार रखा हो वैसे पहाड़, इधर रेत वाले पहाड़, और मैदानी इलाका पूरा जबरदस्त। हाँ 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 भाई साहब, थोड़ा सा आउट हो गए अपने रास्ते से, क्योंकि ये चीज़ हमें कहीं नहीं दिखेगी। और हाँ 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 भाई साहब, यहाँ से पूरा ओवरव्यू देखो आप, मैं कहता हूँ एक नंबर, यहाँ पे रुकना सही है डिसीजन है हमारा, क्योंकि यहाँ पे
ये लोकेशन जो है ना ये आपको आगे कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पे है जो भी है। हाँ मैं कहता हूँ भाई, कुदरत के जो नज़ारे हैं ना वो आपको रास्तों में मिलेंगे, घर के आसपास तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वाह भाई साहब, ये पहाड़ ना सिर्फ आगे पूरे रास्ते में कहीं नहीं मिले, सिर्फ हम सीनरी में देखते हैं देखो, या पेंटिंग में किसी की। मैं कहता हूँ यार बस क्या बोलूँ, कुछ ना बोलो, सिर्फ देखो एंजॉय करो। ये देखो भाई, आधा घंटा करियो और यहाँ पे इतनी बढ़िया रील्स बनी है ना हमारी, मज़ा आ गया, मज़ा यार। क्योंकि यहाँ पे लोकेशन है ना जो, तो ये 6 क्रॉस करते हुए थोड़ा सा आगे राइट साइड में आएगा आपके, आगे व्यू देखो, शायद मुझे लगता है ना आगे बारिश हो रही है 100%। पानी इतना क्लियर है ना नीचे देखो, पूरा बिल्कुल साफ पानी, वाह यार। क्योंकि यार यहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं ना है, ये सीधा पहाड़ों से रिश्ता पानी, बर्फ और बर्फ पिघलती है और उसका पानी बन के ये नदी में जाता है, बस यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, मतलब ये चीज़ मान लो। तो आगे जाता रहेगा ये गंदा होता रहेगा पानी। यहाँ पे अभी लंच करने रुके हैं और थोड़ा रास्ता क्लियर करना हमें, जहाँ पे हमने जाना कि वो ओपन है या नहीं, और लंच भी हो जाएगा क्योंकि 2:45 हो गए भाई। तो भाई हमने लंच कर लिया है यहाँ पे, अभी बस निकल रहे हैं। तो बैठे बैठे भी खाना खाते हुए हमने रील डाली है, और जिसने अभी फॉलो नहीं किया ना इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लेना। तो यही अभी हमारा GSMoto300@sippu_sippu। तो अभी हम जा रहे हैं अभी सीधा सोमरारी, हमने थोड़ा रूट चेंज कर लिया, जहाँ से पता लगा है अभी अभी पेंगोंग के लिए जो है रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए अभी हमें, तो हमने रूट फिर से चेंज किया है। तो यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं, ये पेंगोंग को जा रहा है, तो अभी हम इधर से जा रहे हैं। तो ये है यहाँ पे, ये लोकेशन है खारू। तो चलो भाई अभी सीधा चलते हैं फास्ट थोड़ा, और सोमरारी पहुँचने की तैयारी है हमारी पूरी। अगर रोड ऐसा ही रहा ना तो पहुँच जाएंगे भाई टाइम पे, जाके पहले होम स्टे वगैरह लेंगे यार। आगे तो पक्का बारिश हो रही है, और रेनकोट वगैरह डाले पहले ही। भाई साहब यहाँ पे बारिश शुरू बहुत ही तेज आगे हो सकती है, इतना साफ पानी है ना यार ये, मैं क्या तू मजा आ गया यार, चले यार सिर्फ सुपनीत, यहाँ से बाइक नीचे जा सकती थी। हाँ, बाइक अपनी आ गई है भाई नीचे, यही तो चाहते थे हम, लेकिन हम देखने सिर्फ पानी आए हैं भाई साहब, इतना क्लियर पानी, मज़ा, वाओ क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, पानी देखते कितना ठंडा हुआ ये। हाँ सच में बहुत ठंडा पानी है यार। हाँ